वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज आपको 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम 2000 का सिलेबस है वो आपको समझा जाना है। ठीक है, हम कोई भी एग्जाम देते हैं, सबसे पहले उस एग्जाम में क्या पाठ्यक्रम है और कौन सा टॉपिक कितने मार्क का है वो मालूम हमें रहना चाहिए। अगर हम केवल पढ़ाई कर रहे हैं और जब तक बच्चों हमारे को उसके बारे में प्रॉपर मालूम नहीं है, हम पूरे नहीं समझते हैं, तो हम कितने नंबर लाने चाहिए उतने नहीं ला सकते। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से आपको जो हमारे राजस्थान बोर्ड RBSE है, उस राजस्थान बोर्ड में या 2024 में इसका क्या सिलेबस है इंग्लिश का वो अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सब जानते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 1x1, आप एक बार दो बार और पूरे एग्जाम तक टिल एग्जाम आप उसको याद रखोगे कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे समय ज़्यादा देना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, हमारे 4 चैप्टर में होगा जो बोर्ड ने हमारे जारी किया सिलेबस 2024 के लिए। रीडिंग का इन्होंने अंग भाग दिया है, मैं इनका मार्क्स इसके नंबर आएंगे हमेशा रीडिंग के, यहाँ पर 15 नंबर। ठीक है, रीडिंग कितने नंबर होगी? 15। 1x1 मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि रीडिंग में 15 नंबर किसके। एक बार पहले आउटलाइन समझ लीजिए, पहला पार्ट रीडिंग का 15 नंबर, सेकंड जो पार्ट है इसका जो हमारा आता है राइटिंग वाला पार्ट है वो आपके 13 मार्क्स का है, कितने नंबर का? 13 नंबर का। थर्ड पार्ट आता है हमारे ग्रामर, इस साल बोर्ड ने तय की है ऐसा ध्यान से 12 नंबर की आपके बोर्ड में, और चौथे नंबर पे आती है यहाँ पे, और चौथे नंबर पे जो हमारी आती है ना, ये जो अपने आएगी टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक में दो बुक है आपको मालूम है, तो सबसे पहले कौन से हमारे इसमें भी दो बुक है, नंबर फर्स्ट फ्लाइट है ये 28 नंबर की, और जो हमारी फुट प्रिंट्स विदाउट फिट सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री, फुट प्रिंट्स विदाउट फिट ये है हमारे 12 नंबर। अब देख लीजिए ये आपकी टोटल मार्क, ध्यान से समझे हैं हम पूरे व्यवस्थित तरीके से हमें समझ जाए। हमारा बोर्ड का पेपर जो ड्यूरेशन होगा 3 hours and 50 minutes का होने वाला है, और वेटेज कितना है मार्क्स का, 15 नंबर रीडिंग के, 13 नंबर राइटिंग के, 12 नंबर की ग्रामर है 10th क्लास में, और जो दो बुक्स है हमारी फर्स्ट ग्राइड ये 28 नंबर की है, और जो सप्लीमेंट्री बुक है फुट प्रिंट विदाउट फिट ये इतनी 12 नंबर की, और टोटल लेवा 5, 8, 10, 18, 20, 3, 5, 6, 7, 80 नंबर हो गए। तो ये जो वाले किताब है हमारे 28 मार्क्स की है, और जो एडिशनल बुक्स है सप्लीमेंट्री बुक है फुट प्रिंट विदाउट फिट वो कितने होंगे, 12 नंबर। तो ये तो हमने पढ़ा रीडिंग इतना, राइटिंग 13, ग्रामर 12, फर्स्ट फ्लाइट 28 और फुट प्रिंट विदाउट 12। अब नेक्स्ट राउंड में पढ़ते हैं कि 15 नंबर रीडिंग है लेकिन 15 नंबर में क्या क्या पूछेंगे, तो हम जानते हैं पैराग्राफ आते हैं, हम यहां भी दे देंगे कौन सा पैराग्राफ कितने वर्ड्स का होगा, उस पैराग्राफ के कैसे कैसे प्रश्न होंगे वो भी आपको नेक्स्ट समझा रहा हूं। ये लिख दिया आपने, क्लियर हो गया किस तरह से आपको ये मोटे तौर पर आउट लाइन में हमने सीखा रीडिंग 15, राइटिंग 13, ग्रामर 12,
और टेक्स्ट बुक में हमारे फर्स्ट फ्लाइट 28 की है और फुटप्रिंट विदाउट 12 है। अब मैं आपको आता हूँ रीडिंग के बारे में, रीडिंग में क्या है वो देख लीजिए आप। यहाँ हम समझते हैं, यहाँ लिखा मैंने, इसको मिटा दिया, समझने का इसी तरह से देखो रीडिंग वाला पार्ट है वो अपन समझेंगे। यहाँ लिखा आपने रीडिंग कितना नंबर का लिखा आपने 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। अब इस 15 मार्क्स को अपन डिस्कोज करते हैं कौन कितने नंबर का। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बच्चों टू अनसीन पैसेज आएंगे, है ना, ऐसे आएंगे टू अनसीन पैसेज आएंगे, ध्यान रखना आपको। क्लियर हो गया, हमने 15 नंबर बताया आपको, दो अनसीन पैसेज आएंगे और जो पैसेज नंबर फर्स्ट होगा, पैसेज नंबर फर्स्ट वो हमेशा 100 वर्ड्स का होगा। मैंने लिख दिया कितने वर्ड्स का होगा, 100 छोटा होगा, 100 वर्ड्स का होगा और यह हमेशा 6 नंबर का होगा। ठीक है, क्लियर, क्या बता रहा हूं आपको रीडिंग वाला पार्ट कितने नंबर का, 15 नंबर में। रीडिंग में क्या आएंगे, दो पैराग्राफ पूछे जाएंगे, दो पैसेज पूछे जाएंगे। पहला पैसेज होगा वो कितना होगा, लिमिट वर्ड की 100 वर्ड्स के आसपास आएगा और वो 6 नंबर का होगा। अब 6 नंबर में कितने प्रश्न हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है, यहाँ पर आपको 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समझ गया, जिसके हमारे पास अल्टरनेट रहेंगे, प्रश्न एक पूछ लिया उसमें चार आंसर होंगे, उसमें से कोई भी आपको एक चूज करना है, ए बी सी डी। तो ये हमारे 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, समझ गए। अब 6 में भी क्या क्या आएंगे देखो, इसका भी एक बार है, 4 क्वेश्चन आएंगे, ये तो हमारे आएंगे लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, है ना, जो हमारा पैराग्राफ 6 नंबर का है उसमें 6 प्रश्नों में 6-6 हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल और 6 में से 4 होंगे वो लोकल ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, लोकल एंड ग्लोबल, जो आपके सामने पैसेज आया है उसको मैं सही तरह से पढ़ना है और उसी में से हर एक प्रश्न के 4-4 ऑप्शन होंगे, ऐसे 4 प्रश्न आपके सामने आएंगे और दो प्रश्न दो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी पर कितनी ग्रिप है, आपकी वोकैबुलरी पर कितनी पकड़ है, और वोकैबुलरी स्पष्ट लिखा है इसमें एक जो प्रश्न आने वाला है वो हमारा आने वाला है सिमिलर वर्ड, कौन सा आएगा, समानार्थी शब्द, सिमिलर वर्ड आने का समानार्थी, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची बोल सकते हैं। और एक जो प्रश्न आएगा हमारा वो कौन सा आने वाला है, ऑपोजिट बिलो, देख लीजिए पूरा समझा इसको, ये हमारा पैराग्राफ हो गया फर्स्ट। राइटिंग के 15 वाले भाग में अनसीन पैसे दो पूछेंगे, पहला पैसे 100 वर्ड्स का होगा जो 6 नंबर का होगा, उस 6 में भी क्या आने वाला, 6 प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न कैसे आएंगे, ये हमारे मल्टीपल चॉइस प्रश्न आएंगे, यानी हर प्रश्न का 4-4 हमारे पास ऑप्शन होंगे। तो ऐसी स्थिति में इन 6 में से भी देखो 4 तो प्रश्न ऐसे आएंगे मल्टीपल जो लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, यानी उनमें से आपको जवाब देना, और दो प्रश्न आपको वोकैबुलरी बेस्ड आएंगे, कैसे आपकी वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी स्पष्ट किया एक आएगा सिमिलर वर्ड वाला और एक किसका आना है ऑपोजिट वाला आने वाला है, हो गया क्लियर। ये कितने नंबर वाला हो गए, 6 नंबर। अब मैंने लिखा पैसे नंबर सेकंड, मैंने यहां लिखा ये लिखा पैसे सेकंड, कौन से पार्ट में चल रहे अपन, रीडिंग वाले पार्ट में, कितने नंबर की रीडिंग है, 15, पहला पैराग्राफ कितना, 6 नंबर का,
दूसरा पैराग्राफ है, ये हमारा आएगा आपसे धर्म को, और ये 100 वर्ड का था, इतना लंबा पैसे आएगा 250 वर्ड्स का आएगा, और ये जो हमारे हैं 9 नंबर का है, कितने नंबर का है, 9 नंबर का पैसे के, ठीक है। अब 9 नंबर में क्या प्रश्न है वो ध्यान दीजिए, इसमें जो पैसेज में सभी के सभी जो आने वाले प्रश्न हैं वो सभी कैसे आएंगे, 9 प्रश्न पूछेंगे, समझा, 9 क्वेश्चन पूछेंगे, और कैसे आने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सीधे आपको प्रश्न पूछेंगे और आपको डायरेक्टली उनका जवाब लिखना है। यहां पर कौन से थे आपके मल्टीपल चॉइस, आपको ए बी सी डी इसमें से कोई भी मार्क होना था, इसमें क्या करना आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न पूछेंगे, डब्ल्यूएस वाले हो सकते हैं, हेल्पिंग ग्रुप वाले हो सकते हैं, और आपको जवाब लिखना है पैराग्राफ में। अब देखो ये कितने नंबर का, 9 नंबर का, 9 प्रश्न है, 9 प्रश्न का भी जैसे कैसे मान 6 प्रश्न थे तो 9 प्रश्न भी लिखा है। देखो नंबर 7 प्रश्न तो ऐसे पूछेंगे आपको, वही कैसे लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, यहां पर लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आपके पास मल्टीपल चॉइस थी या मल्टीपल चॉइस नहीं है, आपको पैसेज में से जवाब देना है, तो लिखेंगे 7 प्रश्न पूछेंगे लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, समझ गए, और 2 प्रश्न पूछेंगे आपको वही प्रश्न पूछेंगे वोकैबुलरी, समझ रहे हैं, यहां हमारे जितने भी है ना यहां भी वोकैबुलरी, यहां भी वोकैबुलरी दोनों पर, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस है या मल्टीपल चॉइस नहीं, सीधा आपको पैसेज में से आंसर लिखना है, और वोकैबुलरी में भी आपको यहां 1 प्रश्न को लिखेंगे आपका सिमिलर वाले वो समान आपके शब्द, और दूसरा प्रश्न पूछने वाले आपका ऑपोजिट वर्ड, बस। अब ये है आप इसको अब शायद समझते होंगे रीडिंग का 15 नंबर का, मोटे तौर पर मैं ये कहूँ, देखिए बच्चों जब तक आप सिलेबस नहीं समझोगे, हम निर्धारित जो हमारा लक्ष्य है जो हमने टारगेट तय कर रखा है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और टारगेट तक पहुंचने के लिए अपने को इसका सिलेबस अब पूरा मालूम, इसमें 2 पैराग्राफ है, 1 पैराग्राफ 100 वर्ड्स वाला है, इसमें 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न मल्टीपल चॉइस के हैं, 4 प्रश्न लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, 2 प्रश्न वोकैबुलरी के हैं, उन दोनों में से एक आ गया आपका सिमिलर वर्ड, एक आ गया ऑपोजिट। पैराग्राफ नंबर सेकंड है, वो पैराग्राफ नंबर सेकंड है वो हमारे 250 वर्ड्स का है, वो 9 नंबर का है, और 9 नंबर में कितने प्रश्न पूछेंगे, 9 प्रश्न पूछेंगे, 9 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, और वो कैसे होंगे, इसकी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 7 तो हुई लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कौन कौन से हो गए वोकैबुलरी के, और 2 का कैसे करवा गया, 1 आ गया सिमिलर वर्ड और 1 आ गया ऑपोजिट। तो अब हम चलते हैं इसके बाद राइटिंग वाले पार्ट में, ये हमारा रीडिंग हो गया, थोड़ा हमारा लेसन लंबा हो जाएगा लेकिन समझना है सिलेबस को, तो 15 नंबर को आप बार बार डिस्कशन करो अपने फ्रेंड से, अपने अड़ोस पड़ोस से बात बताओ आप उनको कि इस प्रकार से बात सिलेबस से आपके साथ में पढ़ने वालों से, ताकि आप बताओगे सामने वालों को मिल जाएगा और आपका हमेशा पक्का हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ चलते हैं, यहाँ पर अब हमारा पार्ट आता है राइटिंग में, राइटिंग में क्या क्या पूछा ये वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ अब देख लीजिए, यहाँ हमने लिखा अब देख लीजिए, अब आपको लिखा राइटिंग में, राइटिंग में इस तरह में कितना लिखा आपको 13 मार्क्स का है सेकेंडरी बोर्ड के अंदर। कई हमारे बच्चे इंटेलिजेंट है लेकिन सिलेबस की अनभिज्ञता की वजह से वो मैक्सिमम मार्क अचीव नहीं कर सकते, तो राइटिंग में 13 में क्या है वो देख लीजिए। नंबर 1 पहला पार्ट आएगा वो आपका आएगा लेटर राइटिंग, कौन सा आने वाला है, बिल्कुल सर सिलेबस है, पहली पहली सीधी सिलेबस है राइटिंग लेटर है, और वो आपको मैंने लिखा है 1/2, 1/2 माने 2 ऑप्शन होंगे, 2 में से 1 लिखना है, लेटर राइटिंग 2 आपको ऑप्शन दे रहे होंगे और
लेटर राइटिंग है ना, ये कितने नंबर की है? लेटर राइटिंग 5 नंबर की है। कितने आएंगे? 2। 2 में से कितना लिखना है आपको? 1 लेटर लिखना है। और किस किस के बारे में आएंगे ये तो आपको मालूम है, वो लेटर पर्सनल हो सकता है, नंबर बी ऑफिशियल हो सकता है, नंबर सी वो आपके लिए ईमेल भी हो सकता है। बस कि तीनों में से कोई भी दो पूछेंगे, तीनों में से कोई भी दो देंगे एग्जाम में, और दोनों में से आपको एक करना है। समझ गए? अच्छी तरह समझे। 1/2 का मतलब ये है कि 1/2, मैं यहां इसको ऐसे लिखता हूं, मैं क्या कैसे लिख रहा हूं, ठीक रहेगा? 1/2, दो में से एक लिखना है। लेटर भले पर्सनल, ऑफिसर सरकारी पत्र और ईमेल, इन तीन में से दो एग्जाम दे रहे हैं हमें, उन दोनों में से एक लिखना है। और कितने नंबर का वेटेज दे रहा है? 5 नंबर का। दूसरा हमारा आ रहा है, देखिए वो आए टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी। एक आपको स्टोरी लिखना है, टू राइट, देखो आप टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी क्या लिखना है आपको? एक छोटी सी कहानी। ऑन गिवन आउटलाइन, ऑन गिवन, गिवन माने दी हुई, ऑन गिवन, ऑन गिवन आउटलाइन इन अबाउट, बिल्कुल छोटी सी 80 वर्ड्स 7-8 लाइन में। और ये जो कहानी आपके आने वाली है स्टोरी, ये कितने नंबर की है? ये 4 नंबर की आ रही है। लेटर 5 नंबर का और स्टोरी कितने नंबर आ रही हो? 4 नंबर की। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड आ रहा बड़ा, देखो ये शॉर्ट, समझ गया? दो लेटर होंगे, दो लेटर में से एक लिखना है, पर्सनल ऑफिसर ईमेल में से कोई भी आप एक लिखो। टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी, जो आउटलाइन दी होगी उसके आधार पर हम नेक्स्ट समझाएंगे कैसे स्टोरी, हाउ टू राइट स्टोरी, वो अगले लेसन में देंगे। लेकिन अभी आप सिलेबस समझो कि स्टोरी कितने नंबर की? 4 नंबर की। तीसरा हमारा आएगा, बिल्कुल एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ए शॉर्ट राइटिंग पोस्ट, ए शॉर्ट राइटिंग पोस्ट, एक छोटा सा लिखना है आपको, बेस्ट ऑन, जो आधारित होगा किस पर आधारित होगा? ए वर्बल और ए वर्बल और ए विजुअल, और ए विजुअल स्टिमुलस, कौन कौन से? जैसे इसमें सभी आपको समझे आप, पिक्चर, छाप, ठीक है, टेबल इत्यादि के होंगे आपको। और ये कितने लिखना है? इन 80 वर्ड्स, बस 80 शब्दों में लिखना है आपको। और ये कितने नंबर आपको देखा है? 4 नंबर का। बस 4 4 8 8 5 13 कंफर्म करो वो पन्ना नंबर का था, रीडिंग वाला था। ये पार्ट कितने का है? ये पार्ट किसका है? राइटिंग का। राइटिंग वाला पार्ट हमारा कितना हुआ? राइटिंग वाला पार्ट हमारा 13 नंबर का हुआ। कौन से 13 में हुए? आप आराम से पेड़ कर दें, पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरा समझना है, केवल एक बार ऊपरी ऊपरी देखने से कुछ होने वाला नहीं है। 13 नंबर में कौन कौन से आए? 13 नंबर में हमारे पास में दो लेटर होंगे, उसमें से आपको एक लेटर लिखना है, हायर मास्टर। इसके बच्चा एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, आउटलाइन देनी थी होगी, उसको आपको लिखना है 80 वर्ड्स में 4 नंबर का। और इसके बाद में यह है एक शॉर्ट राइटिंग, मैं आपको उसको ये भी कहता एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। वो पैराग्राफ या तो आपको वर्बल दिया हुआ होगा इसके आधार पर, या आपको पिक्चर दे रखी होती है, छाप दे रखे, वो टेबल दी होती है, उनको देख करके आपको 8-10 लाइन में, इट मीन 80 वर्ड्स में लिखना है। अभ्यास करेंगे ये भी लिख लेंगे अपने, ये काम करना है। तो 5 और 4 9 और 4 13 रीडिंग वाला क्लियर, 15 नंबर, राइटिंग वाला क्लियर, कितने नंबर? 13 नंबर। हमें एग्जाम में जाने से पहले एक योद्धा की भांति अपडेट होते जाना है, और अपडेट हमारे बोर्ड ने पाठ्यक्रम पहले से 2-3 महीने पहले सामने जारी कर दिया है, और हमें इसकी जानकारी नहीं रहती है, ये हमारी कमी है। और वो ही आपको बताने जा रहे हैं कि सिलेबस ही आपको समझा रहा हूं, रीडिंग वाला 15 नंबर, राइटिंग वाला 13 नंबर। अब आती है ग्रामर, ग्रामर जो आपको 12 नंबर की दे रही है,
अब हम ग्रामर में चलते हैं, ग्रामर में क्या है, आइए अपन ग्रामर में लिखते हैं। ठीक है, यह देखें आप, इसको मैंने लिखा दिया, आप भी लिख देंगे इसको। अब देखो आप, यह मैंने लिख दिया ग्रामर, ये ग्रामर ना, ग्रामर कितने नंबर की है, 12 नंबर की है। अब 12 नंबर में कौन कौन ग्रामर है आप देखिए, ग्रामर में नंबर एक टेंस, टेंस में कैसे प्रश्न पूछेंगे, क्या पूछेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाते रहेंगे क्लास में। टेंस में ये आपके आएंगे 4 नंबर। नंबर दो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है वो आपके आने वाले 2 नंबर में। नंबर थर्ड आने वाला है सब्जेक्ट वर्ब कंकर, सब्जेक्ट वर्ब ये है, समझा देंगे आपको 2 नंबर का। और एक चौथा आ रहा है हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वो कितने नंबर आने वाला, 2 नंबर का। और बस पांचवा पांच आया फेमिन एंड फेमिन क्वेश्चन, फेमिन एंड क्वेश्चन टैग, टैग क्वेश्चन, ये कितना नंबर का आने वाला होगा, 2 नंबर। अब ये देख लीजिए ये 2, 2, 2, 4, 6 ए एंड फोर प्लस, ये हमारे क्या हो गए ग्रामर में। समझ आ गया आपको, क्लियर, ग्रामर में कितने हुई, 12 नंबर। ये हर समय आपको इसी पे डिस्कशन, इसी पे चिंतन करना चाहिए। राइटिंग कितने नंबर की थी हमारे, 15 नंबर की है ना, रीडिंग 15 नंबर की, राइटिंग 13 नंबर की, और ग्रामर कितने आए, 12 नंबर की। कौन कौन से, टेंस एंड 4 नंबर के, रिपोर्टेड स्पीच 2, सब्जेक्ट हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मालूम है हमें क्या पढ़ना क्या है, हमारे पास एरिया क्या है, और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है वो 2 नंबर की, और फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग प्रश्न बनाना दोनों प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब वाले, डब्ल्यू एस वाले, और टैग क्वेश्चन, ये सब मिला के अपने पास में 2 नंबर के बनेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ध्यान दीजिए ये हमारे आपके टेक्स्ट बुक, इस वीडियो को इतना ही करते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाते हैं। तो अपना सिलेबस भी 2 पार्ट में होगा, एक तो आज बताया, एक वापिस कल आपको लेंगे, कल आपको समझाएंगे। क्या समझा पाया, जो आज आपको बोर्ड का सिलेबस समझाया गया, कौन सी बोर्ड एग्जाम जिसमें हम बैठने जा रहे हैं 2024 2026 में अपन बैठने जा रहे हैं, उसके लिए कौन सी सब्जेक्ट का, इंग्लिश का 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट हमारे को समय मिलेगा, और उसमें हमें 4 पार्ट में बांटा, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट, हर एक को मैं अलग अलग खंडों में उनको समझने की कोशिश की। इसको आप एक बार दो बार समझ लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। पुनः कल अब मैंने आपको रीडिंग का, राइटिंग का और ग्रामर का, तो आपका कितना अंकों का वजन होता है, वेटेज होता है वो बता दिया, कल आपको बताएंगे जो 2 मार्क फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट है, जो 12 नंबर की है और जो 28 नंबर की है, उनका अपन कितने नंबर का है, क्या है, कौन कौन से प्रश्न कैसे पूछेंगे, वो आपको कल आपको बतलाएंगे। एक बार दो बार आपको अपने जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पास में आपके नोटबुक है, उस नोटबुक में इस सिलेबस को लिख दो आप, और जब भी लीजर टाइम में खाली बैठे हो उसको देखा करो, तो 100% मैं ऐसे अपेक्षा रखता हूं कि आपको इस सिलेबस के समझने से आपके अंकों में वृद्धि होगी। ठीक है, इसी के साथ सिलेबस का फर्स्ट पार्ट आज हम पूरा करते हैं। धन्यवाद।